नमस्कार, मेरा नाम रतिक नेलवल है और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 4 में टॉपिक 4.2 पे हम लेक्चर देखेंगे। हम बेसिकली आज देखने वाले डिफरेंस बिटवीन एयर कूल्ड कंडेंसर्स एंड वाटर कूल्ड कंडेंसर। तो जनरली जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो इस बेसिस पे भी हम देख सकते हैं इनका डिफरेंस। अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें कूलेंट की और जो कूलेंट की और जो कूलिंग है उसके बीच के टेम्परेचर डिफरेंस की, तो एयर कूल्ड में काफ़ी रेंज है, 6 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक का आपको डिफरेंस मिल जाएगा। और वाटर कूल्ड में कूलेंट का और कूलिंग का डिफरेंस जो है 6 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। ठीक है, मतलब कहने का इस डिफरेंस का मतलब ये है कि आपकी जो कूलिंग अटेन हो रही है और कूलेंट, उन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो वाटर में ये डिफरेंस जनरली कम रहता है। वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ कूलेंट पर टन की अगर हम बात करेंगे तो नेचुरल सी बात है, एयर का जो है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा एयर चाहिए क्योंकि एयर की जो कन्वेक्शन कोफिशेंट होता है वो भी काफ़ी कम होता है। तो 12 से 30 मीटर के ऊपर मिनट रहता है, और उसके कंपैरिजन में वाटर का तो बहुत ज़्यादा कम है, 0.007 से 0.02 मीटर क्यूब मिनट। इसका मतलब ये कि अगर वाटर कि आपकी फ्लो रेट एकदम कम भी हो ना तो भी आपको कूलिंग मिलती रहेगी। हीट ट्रांसफर एरिया पर टन की बात करें तो अगेन वही बात आएगी, क्योंकि कन्वेक्शन कोफिशिएंट कम है तो एरिया भी आपको ज़्यादा चाहिएगा। तो 10 से 15 मीटर स्क्वायर इसमें एरिया चाहिए, जबकि इसमें 0.5 से 1 मीटर स्क्वायर तक का एरिया आपको पर टन चाहिए। फेस वेलोसिटी मतलब जो इनकी वेलोसिटी है, तो एयर वेलोसिटी 2.5 से 6 मीटर पर सेकेंड, जबकि पानी की 2 से 3 मीटर पर सेकेंड का कम है पानी की। यहाँ पे फैन और पंप पावर पर टन की बात करेंगे तो आपको पता है कि एयर ब्लोअर में फैन तो लगेगा, तो आपका जनरली फैंस की जो वॉटेज होती है 75 से 100 वॉटेज तक ब्लोअर्स आपके आते हैं, जबकि वाटर में आपको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ और बेसिस पे हम इनके डिफरेंस देखेंगे कि एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड कंडेंसर्स के बीच का डिफरेंस। तो एयर कूल्ड जो होते हैं कंडेंसर्स, उनकी कंस्ट्रक्शन जो है वो काफ़ी सिंपल होती है, क्योंकि उनमें कोई पाइप नहीं होता एयर के लिए, और जबकि वाटर में पाइप के थ्रू वाटर मतलब फ्लो कराया जाता है, तो इसलिए इनकी कंस्ट्रक्शन जो है वो काफ़ी सिंपल होती है इन कंपैरिजन टू वाटर। द डिस्पोजल ऑफ वार्म एयर इज नॉट अ प्रॉब्लम एंड इट इज अवेलेबल इन प्लेंटी, क्योंकि आपको हवा हर जगह अवेलेबल है, चाहे वो कोई सा भी रिमोट एरिया हो, कहीं पे भी हो, तो वहाँ पानी आपको हवा को कहाँ डिस्पोज करना है वो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। और फिर आपका जो फाउलिंग रहता है कंडेंसर में और मेंटेनेंस कॉस्ट भी रहती है वो बहुत कम रहती है, क्योंकि हवा की वजह से फाउलिंग बहुत कम होता है। लेकिन हाँ ये है कि स्पेसिफिक हीट जो होती है एयर की वो 1/4 होती है वाटर की, और डेंसिटी भी 1000 ऑफ वाटर होती है। ठीक है, और वॉल्यूम इसीलिए जो वॉल्यूम फ्लो रेट है, मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम फ्लो रेट आगे भी बताया था मैंने उसका, वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, और सिंस थर्मल कंडक्टिविटी भी स्मॉल होती है और हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट भी बहुत कम होता है हवा का पानी के कंपैरिजन में। ठीक है, और जनरली जो एयर रहती है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर पे ही अवेलेबल रहती है, जबकि वाटर जो होता है वो लोअर टेम्परेचर पे ही मिल जाता है, वेट बल्ब टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री ऊपर वाटर का टेम्परेचर जो है वो आपको मिल जाता है, इसीलिए भी जो कूलिंग है वो वाटर में ज़्यादा एफिशिएंट होती है। ठीक है, जो टेम्परेचर राइज होता है हवा का वो वाटर से बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि डेंसिटी भी यहाँ पे कम ही है और बहुत सारे रीजन है। तो कंडेंसर टेम्परेचर जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है और सीओपी जो है वो घट जाती है, इसीलिए जो एयर कूल्ड कंडेंसर्स हैं वो उनका रिस्ट्रिक्टेड कैपेसिटी रहती है 10 TR तक ही
यूज किए जा सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा आप ब्लोवर ले लोगे तो 5 TR और बढ़ा सकते हैं। जो अप टू 3 टन के जो सिस्टम होते हैं उनमें क्या रहता है कि जो कंप्रेसर है वो चेसिस पे उसकी बॉडी पर माउंटेड रहता है, और कंप्रेसर मोटर जो है वो कंडेंसर फैन को चला सकती है। तो ये एक तरीके का एक एडवांटेज ही है। मोस्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज हैं वहाँ पे फ्रेश वाटर की काफ़ी कमी होती है, और इसीलिए जो ये एयर कूल्ड कंडेंसर्स हैं वो वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो ये एयर कूल्ड कंडेंसर्स जो है वो 100 टन तक भी और ऊपर तक भी यूज़ किए जाते हैं वहाँ पे। एयर कूल्ड कंडेंसर्स जो हैं वो कॉस्ट जो है उनकी 2 to 3 times जो है वो वाटर कूल कंडेंसर से ज़्यादा होती है कॉस्टिंग की बात करें तो वहाँ पर, ठीक है। और वाटर कूल, लेकिन वाटर कूल कंडेंसर में क्या होता है कि उनमें कूलिंग टावर की ज़रूरत होती है, तो जहाँ पे वाटर की कमी है उन एरिया में वाटर को रिसाइकिल करना पड़ता है अगर आप वाटर कूल कंडेंसर लगा रहे हैं तो, ठीक है। और जो लेक्स और रिवर्स से जो पानी होता है वो इसमें एक और डिसएडवांटेज है कि वो पानी जब आप कंडेंसर से बाहर निकलता है तो वो गर्म रहता है, और उस गर्म पानी को आप डायरेक्टली जो है वो इस तरीके से लेक्स में और रिवर में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि उससे जो मरीन लाइफ है, जो समुद्री जीव हैं उनकी लाइफ पर खतरा रहता है। ये भी एक डिसएडवांटेज है वाटर कूल कंडेंसर्स का। जो इनकी फर्स्ट वाटर कूल कंडेंसर्स होती है उनकी जो इनिशियल कॉस्ट है और वो मेंटेनेंस जो है कूलिंग टावर की मेंटेनेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉस्टिंग उसकी होती है। इसलिए एक वाटर कूल्ड कंडेंसर का एक डिसएडवांटेज है कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो काफ़ी रेगुलर मतलब काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि मेंटेनेंस रेगुलर चाहिए होती है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि क्योंकि पानी यूज़ हो रहा है तो उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं कि फाउलिंग हो जाती है, उसकी वजह से पार्ट्स जो है वो जल्दी ख़राब होने लगते हैं। ये भी एक डिसएडवांटेज है वाटर कूल्ड कंडेंसर्स का, ठीक है। तो ये जो हमने डिफरेंस है एयर कूल्ड कंडेंसर्स के और वाटर कूल्ड कंडेंसर्स के, हमने काफ़ी डिटेल में स्टडी किया है। आई होप आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आई हो, और मैंने हिंदी में भी आपको समझाया है और इंग्लिश में तो यहाँ रिटन है ही, तो आपको दोनों लैंग्वेजेस में दिक्कत नहीं आएगी। हिंदी में जो मैंने बोला है अगर आपको इंग्लिश में समझने में दिक्कत है तो जो बोले वह है उसको आप लिख के नोट डाउन करके भी आप पढ़ सकते हैं आपके लिए, ठीक है। इसके बाद में हम जो है कूलिंग टावर और स्प्रे पॉन्ड्स की तरफ बढ़ेंगे। तो आई गेस ये जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में ही हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में ही कंटिन्यू करते हैं। मीनवाइल आप पहले के जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनमें कोई डाउट है तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक।